हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन ब्यूटीज़। आज की मेरी वीडियो नायका सेल हॉल पे होगी कि मैंने नायका नवरात्रि सेल से क्या क्या मंगवाया। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है लिप क्रश मैक्रॉन लिप बाम फ्रॉम नायका। ये लिप बाम काफ़ी अच्छी लिप बाम है, आपके लिप्स को हाइड्रेटेड रखती है, काफ़ी देर के लिए आपके लिप्स मॉइस्चराइज भी रहते हैं। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस भी अवेलेबल हैं और इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, और लास्टली इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट है। नेक्स्ट है मेबलिन न्यूयॉर्क सुपरस्टे मैट इंक लिक्विड लिपस्टिक शेड नंबर 85 प्रोटेक्टर। ये लिप कलर काफ़ी अच्छा है, सारे स्किन टोन पर अच्छा लगता है। इसका एप्लीकेटर भी बहुत अच्छा है और इसका 16 आवर्स का स्टे है, तो आप इस शेड को ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने नेल पेंट ली है, एक ग्लिटर नेल पेंट ली है और एक मैट फिनिश में ली है। दोनों ही नेल पेंट्स बहुत अच्छी हैं। इसका शेड नंबर है 226 गोल्डन टिकट। नेक्स्ट है लैवेंडर पेनाकोटा शेड नंबर 15। दोनों ही नेल पेंट्स बहुत अच्छी हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते। नेक्स्ट मैंने क्रीमी मैट लिपस्टिक ली है मेबलिन की। क्रीमी टेक्सचर के साथ आती है बट आपको मैट फिनिश देती हैं, बहुत अच्छी हैं, आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी रखती हैं। ये एवरीडे लिपस्टिक है, ये 299 इनका MRP है। फर्स्ट शेड है टच ऑफ स्पाइस, ये न्यूट पीची सा शेड है, एवरीडे में काफ़ी अच्छा लगेगा। सेकंड शेड मैंने लिया है न्यूट न्यूआंस, ये चॉकलेटी शेड है, ये काफ़ी अच्छा शेड है, ये हर स्किन टोन पर अच्छा लगता है। सेल में आपको और कम प्राइस में मिल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने फ्रेंड्स शुगर का लिप क्रेयॉन लिया है, काफ़ी अच्छा क्रेयॉन है, ये क्रीमी टेक्सचर है इसका, मैट फिनिश देता है ये भी। थोड़ा प्राइसी है बट सेल में आपको थोड़े कम प्राइस में मिल जाएगा। शेड नंबर 13 मर्पी ब्राउन, काफ़ी अच्छा शेड है, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने अल्ट्रा सनस्क्रीम ली है न्यूट्रीजीना की, ये SPF 50 PA++ ऑल स्किन टाइप सनस्क्रीम है, अच्छी सनस्क्रीम है। बड़ी वाली थी नहीं अवेलेबल, आउट ऑफ स्टॉक हो गई, तो मैंने ये वाली मंगवा ली। सो फ्रेंड्स, अब फेस्टिव सीज़न स्टार्ट हो गया है तो चेहरा तो ग्लो करना ही चाहिए, तो मैंने मेबलिन का हाइलाइटर मंगवाया। ये 550 इसकी MRP है, 385 में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर खरीदिए। सो फ्रेंड्स, विंटर में बॉडी को मॉइस्चराइज भी तो रखना है, उसके लिए आप वैसलिन का ये बॉडी लोशन यूज़ कर सकते हैं। इसका MRP 375 है, सेल में आपको 263 के अराउंड मिल जाएगा। फ्रेंड्स, लास्ट में मैंने नायका वंडरलस्ट हवाइन जैस्मिन की रेंज में से बॉडी शैम्पू, बॉडी लोशन एंड बॉडी मिस्ट लिया है, इसका रिव्यू आगे देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लूफा में थोड़ा सा शावर जेल लेके गीली बॉडी पे रब करिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। आगे वीडियो में मैं आपको हेयर रिमूव करने का तरीका बताऊंगी और किस तरीके से आप अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं विंटर में, वो भी बताऊंगी। नेक्स्ट स्टेप है हेयर रिमूविंग, तो मैं यहाँ पर वीनस का वूमेंस रेज़र यूज़ कर रही हूँ, ये स्पेशली वूमेंस के लिए आता है। आप इसको अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं, आपकी बॉडी को सोप से लेदर करने के बाद यूज़ कर सकते हैं, या फिर ऑयल लगाने के बाद या एलोवेरा जेल लगाने के बाद भी यूज़ कर सकते हैं, और इससे पहले आप एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को। एक्सफोलिएशन के बेनिफिट्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है आपको बॉडी लोशन लेना है और मॉइस्ट बॉडी पे अच्छे से मसाज करनी है। हेयर रिमूव करने के बाद आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है, तो आप कोई सा भी बॉडी लोशन लेके अच्छे से मसाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तीनों चीज़ यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि आप पूरे दिन एक ही तरह से महकते हैं, एक ही फ्रेग्रेंस आती है आपकी बॉडी में से। नायका में बहुत सारी रेंजेस हैं, तो आप कोई सी भी रेंज अपने पसंद के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं और एक ही तरह से महक सकते हैं पूरा दिन। लास्ट में आप बॉडी मिस्ट से अपनी बॉडी को अच्छे से महकाइए, इस तरह से आप हेयर रिमूव करने के बाद अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा।